सो इन एग्ज़ाम देर आर 5 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो 10-10 मार्क्स के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। नहीं पता है तो लिख लो और कहीं चिपका डालो घर पे। यस, क्योंकि इसमें से 50 out of 50 आना चाहिए आपको। कितना आना चाहिए? 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना, तो उसमें से आपको 50 में से 50 आपको मिल जाएगा अभी। और 10 मार्क्स के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, 10 मार्क्स के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, 10-20 मार्क्स के लिए। तो इस 50 में से बेटा 40 तो कम से कम आपको आ ही जाएगा, पास तो हो जाओगे आप। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव के बिना, विदाउट ऑब्जेक्टिव, विदाउट शॉर्ट नोट्स, ठीक है, थ्योरी 40 आ जाएगा। तो 40 इधर आ गया, 20 में से चलो 15 उधर आ गया, ठीक है, तो कितना हो गया, 55 हो गया। 55 थ्योरी में से चलो 20 में से 20 नहीं आएगा तो चलो 10 तो आएगा, है ना, अगर तो कितना हो जाएगा, 61 तो कोई भी लेके आ सकता है। बात समझ में आ रही है? विदाउट पढ़ाई किए हुए तुमको अगर नॉलेज भी नहीं रहेगा, बस ये राइट पास टॉपिक करके जाना, आपका एग्ज़ाम में 110% 70 मार्क्स के ऊपर ही आ जाएगा, आपका 70 मार्क्स के ऊपर ही आ जाएगा। वो कौन कौन से चैप्टर है, तो पहला मैंने सिखाया, सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या सिखाया? प्लेस ऑफ सप्लाई। ये एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के लिए आता है आपको पता है ना, सिर्फ जगह बतानी पड़ती है अपने को कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, बराबर। दूसरा टाइम ऑफ सप्लाई जो मैंने आपको बताया, और एग्ज़ाम में सभी FCM ही आएगा। क्या आएगा? FCM, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो बहुत ईजी है। तो ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? 10। आज जो चैप्टर मैं सिखा रहा हूँ कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? रजिस्ट्रेशन। तो बेटा रजिस्ट्रेशन का टॉपिक जो है GST रजिस्ट्रेशन, वो भी एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? 10। फिर बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, लोगों को ये बहुत हार्ड लगता है बट आपको बहुत ईजी लगेगा, लगता तो सब कुछ ही हार्ड है इसमें, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट 10 मार्क्स। और बेटा एक है कंपोजिशन स्कीम, विच स्कीम? कंपोजिशन स्कीम। तो ये भी बड़ा आसान सा टॉपिक है, तो ये भी एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? 10। ठीक है, इधर कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। और लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं पता नहीं, तो 20 मार्क्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और 50 मार्क्स के लिए तो आपको बेटा 50 में से तो कम से कम आपको 40 तो यहाँ पर मिल ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 40 मार्क्स, ठीक है। आपको 50 out of 50 भी आ सकता है, चलो 50 नहीं आएगा, 50 तो आएगा ना, 50 में से 40 तो आएगा कम से कम, ऐसा नो है। अगर एक दो मार्क्स कट भी गया तो कितना आएगा? चलो 40 आएगा। एक क्वेश्चन चलो अपन कमती भी कर दिया तो भी 40 आ जाएगा, ठीक है, पास होने का टेंशन ख़त्म, ठीक है। तो अगर ये 5 टॉपिक आप करके गए, चैप्टर करके गए, यू कैन स्कोर 50 out of 50 प्लस 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, कितना हो गया? 70। 20 मार्क्स का थ्योरी कितना हो गया? 90। तो 90 में से 90 नहीं आएगा, कम से कम मेरे को 80 तो आएगा, ठीक है, 80 तो आएगा, 75 तो आएगा, 70 तो कहीं नहीं गया, 70 तो कहीं नहीं गया। बात समझ में आ रही है? बट उसके लिए अपने को ये चैप्टर एकदम अच्छे से आना चाहिए, एकदम अच्छे से जो आपको सिखा रहा हूँ उतना ही पढ़ाई करो, उसके बाद एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि अपन जो सिखाता है वही एग्ज़ाम में कॉपी पेस्ट आता है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा तो क्या पूछेगा, ठीक है, तो एग्जामिनर का लेवल अपने को पता है। तो चलिए आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन अंडर GST। तो बेटा रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है? बोलो क्यों जरूरी है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड रजिस्ट्रेशन? एंटर नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है? तो बेटा रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको एक पहचान मिलती है, एक आइडेंटिटी मिलती है। क्या मिलती है? आइडेंटिटी, क्या आप क्या हो? रजिस्टर्ड पर्सन हो। क्या हो आप?
एक लीगल पर्सन हो, ठीक है, और गवर्नमेंट को क्या पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, क्योंकि जीएसटी कौन चार्ज कर सकता है, जीएसटी कौन चार्ज कर सकता है, जो बंदा क्या है रजिस्टर्ड है, जो बंदा क्या है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेगा तो वो जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं राइट क्लास चलाता हूँ, अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं आपके फीस पे जीएसटी चार्ज कर सकता हूँ क्या? तो अगर मैं रजिस्टर्ड होऊंगा तभी मैं क्या चार्ज कर सकता हूँ, जीएसटी चार्ज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं आपके फीस में जीएसटी ऐड करके नहीं लगा सकता, मैं वो इलीगल होगा, ठीक है। तो कौन जीएसटी चार्ज कर सकता है? राइट, ओनली दी रजिस्टर्ड पर्सन, राइट, कौन चार्ज कर सकता है? रजिस्टर्ड। तो रजिस्ट्रेशन करने के भी कुछ नियम हैं, ठीक है, और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे सो यू विल गेट द सेपरेट आइडेंटिटी। जैसे आप लोग राइट टैक्स में कैसे आपको पैन नंबर मिलता है, वैसे यहाँ पे जीएसटी नंबर मिलता है, जो कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, कितने डिजिट का होता है, 15, ठीक है। तो 15 डिजिट का आपको क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिसको बोलते हैं GST IN, GST IN। तो GST का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IN का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिफिकेशन नंबर, और जो जो बोलूँगा वो राइट लिख लेना आप लोग घर पे जाके, ठीक है। सो व्हाट डू बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग। तो रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप अंडर एनी सिस्टम, ठीक है। तो बेटा कोई भी टैक्स सिस्टम में, चाहे आप कोई भी टैक्स सिस्टम ले लो, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, राइट, मैंडेटरी है, इट इज़ अ राइट पहला स्टेप है। कौन सा स्टेप है ये, पहला। इन सम केसेस रजिस्ट्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, तो रजिस्ट्रेशन दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर सरकार आपको, गवर्नमेंट डंडा मार के रजिस्ट्रेशन करवाएगी, और एक क्या होता है बेटा, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। एक होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और क्या होता है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। तो एनी टैक्स सिस्टम मेन रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस फॉर द टैक्स पर्पस इज द रजिस्ट्रेशन विद द टैक्स अथॉरिटीज। तो बेटा राइट रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है, इससे क्या मिलता है आपको, आपके बिजनेस को क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है, क्या मिलती है, एक अलग पहचान मिलती है, क्या आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन सिग्निफाइड दैट हु ऑब्टेन यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज। जैसे इनकम टैक्स में क्या मिलता है आपको, पैन नंबर मिलता है ना, पैन कार्ड रहता है, वो आपका क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका पैन नंबर सेम होगा क्या, राइट, तो क्या होगा, अलग अलग होगा, वैसे ही आपका जीएसटी नंबर भी क्या होगा, अलग। और जो जीएसटी नंबर आपको मिलता है बटो वो पैन बेस्ड होता है, क्या होता है, पैन बेस्ड, ठीक है। आपका 10 डिजिट का पैन नंबर भी उसमें रहेगा, 2 डिजिट का कोड रहता है, स्टेट कोड रहता है, ठीक है, और 10 डिजिट का क्या रहेगा आपका, पैन नंबर, फिर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना किया है, और आगे अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहेंगे 2, ठीक है। तो ऐसा मिला के कुल डिजिट कितना होता है, 15 डिजिट। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना बस ये, कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि आपको एक जीएसटी नंबर मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, राइट, GST IN, क्या बोलते हैं, तो GST IN का मतलब क्या है, राइट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कितने नंबर का होता है, 15 डिजिट का होता है। इज इट क्लियर? अच्छा राइट, कोई पूछ देगा तो व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया बेटा, आपको क्या मिलता है, लीगल स्टेटस मिलता है, क्या मिलता है, अ पर्सन हु गेट रजिस्ट्रेशन डन इज कॉल्ड एज लीगल सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा उसको लीगल सप्लायर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, लीगल सप्लायर, ठीक है। और सप्लायर क्या सप्लाई करता है, या तो गुड्स या तो क्या, सर्विसेज। इज इट क्लियर? ओके, रजिस्ट्रेशन इंश्योर दैट रजिस्टर्ड पर्सन इज डूइंग प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेस पेड। मतलब ये गवर्नमेंट मान लेती है जो बंदा रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, मतलब वो प्रॉपर हिसाब किताब रख रहा है, प्रॉपर अकाउंटिंग रख रहा है,
कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स पेड करना है या पेबल है, राइट, ऑन ऑल हिज इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है, जो मैं परचेस करूंगा उसके ऊपर मैंने कितना जीएसटी पे किया, कितना टैक्स पे किया। आउटपुट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेल क्या होता है, सेल। इज इट क्लियर? तो पूरा हिसाब किताब मेरे पास रहेगा। और आईटीसी सिर्फ किसको मिलता है, अगला चैप्टर अपना यही है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट सिर्फ किसको देती है, ओनली ओनली रजिस्टर्ड पर्सन। कभी कभी आएगा क्या, आईटीसी इज गिवेन ओनली टू डैश, तो क्या लिखेगा आप, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्या आएगा आपका आंसर। और एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन ही इज नॉट अलाउड टू टेक आईटीसी। तो बेटा उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी क्या होता है, जो मैंने परचेस किया ना, तो मैंने भी गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, तो उसका मुझे क्या मिल जाएगा, फ़ायदा, उतना टैक्स लाइबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जो ये मैंने भी आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, ओके। जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा बेटा, वो क्या इशू करता है, बिल ऑफ गुड्स इशू, बिल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसको क्या बोलते हैं बेटा, टैक्स इनवॉइस, क्या बोलते हैं। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या इशू करता है, इनवॉइस, क्या इशू करता है, उस इनवॉइस को क्या बोलते हैं बेटा, टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस। जैसे मैंने आपको तो बेटा मान के चलो मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख की है, कितने की है, और उसके ऊपर जीएसटी कितना है, 12%, कितना है। तो बेटा 1 लाख का 12% निकालो कितना होता है, बोलो कितना होता है। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो ही जीएसटी में चार्ज कर सकता हूँ ना, तो मैं कितना आएगा, 12,000, वेरी गुड, कितना आएगा, 12,000। तो बेटा मैं कस्टमर से कितना वसूल करूँगा जरा बताओ, 1,12,000, सिंपल है। ये अमाउंट को पता क्या बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस, क्या बोलते हैं। तो बेटा इनवॉइस कौन इशू कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कौन, रजिस्टर्ड पर्सन। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो लोग क्या सप्लाई करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई, क्या सप्लाई करते हैं, तो वो लोग भी बिल देते हैं, उन लोग भी बिल देते हैं, बट वो कौन सा बिल बोलते हैं पता है, उसको बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देखो आगे लिखा हुआ इंग्लिश, तो एग्जाम में पूछ सकता है आप लोगों को कि टैक्स इनवॉइस कौन इशू करता है, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन। और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो लोग क्या सप्लाई, वो लोग गुड्स बेच रहे हैं, तो बेटा वो लोग कौन सा बिल बना के देते हैं लोग। तो इफ अ पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, द बिल इशू ऑन द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल बी कॉल्ड एज बिल ऑफ सप्लाई। नाउ वायर विल नॉट बी अलाउड टू टेक क्लेम आईटीसी। तो बेटा टैक्स इनवॉइस रहेगा तभी आपको क्या मिलेगा, आईटीसी क्लेम कर पाओगे। बिल ऑफ सप्लाई अगर आपके पास है तो बेटा आप आईटीसी मिलेगा क्या आपको, तो बेटा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। क्यों, क्योंकि वो कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। और अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना कि आईटीसी सिर्फ किसको मिलता है, थर्ड पॉइंट में देखो, आईटीसी इज अलाउड ओनली टू हूम, ओनली टू हूम, रजिस्टर्ड पर्सन। इज इट क्लियर, ओके। फिफ्थ क्या एडवांटेजेस है, ही इज अ लीगली ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दी कस्टमर। तो बेटा टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है, ओनली रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है, ऑन रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी कैन इजिली गेन ट्रस्ट फ्रॉम दी कस्टमर। तो बेटा भरोसा भी होता ना एक कस्टमर को कि भाई ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इससे ही माल खरीदना चाहिए अपने को। बात समझ में आ रही है, ओके। सेवन क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट बिड्स और द कॉन्ट्रैक्ट और द असाइनमेंट्स। तो बेटा जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं ना, तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो गए तभी आप जाके कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकते हो, बिड कर सकते हो, आप अपना कोटेशन डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो बेटा गवर्नमेंट भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करती है। यस और नो, तुम कब धंधा बंद, तुम कब अपना धंधा पानी बंद करके राइट घर पे बैठ जाए, तो गवर्नमेंट भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। तो जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं ना, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा वो कौन से पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ जो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो एग्ज़ाम में अगर एडवांटेजेस आ गया तो लिख सकते हैं। तो पहला क्या मिलता है, लीगल स्टेटस मिलता है। किसको लीगल स्टेटस मिलता है, बिजनेस को। दूसरा, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन है तो मैं प्रॉपर अकाउंटिंग करूँगा, ठीक है। तीसरा, आईटीसी सिर्फ कौन क्लेम कर सकता है, कौन क्लेम कर सकता है, तो बेटा आईटीसी किसको किसको अलाउड है, ओनली टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो बेटा वो क्या देता है, कौन सा बिल देता है, टैक्स इनवॉइस देता है। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वो कौन सा, बिल ऑफ सप्लाई देता है, ठीक है। कौन लीगली ऑथराइज है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है।
और रजिस्टर्ड पर्सन रहेगा तो बेटा उसको गेन ट्रस्ट करेगा, किसका? कस्टमर का भरोसा जीतेगा। अच्छा, जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ कौन अप्लाई कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आया तो आप बता सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ पे सेक्शन है, तो सेक्शन 22 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ गए ये आप लोगों को? ये घर पे जाके लिख लेना, सब चीज़ आपकी बुक में होनी चाहिए। चलो ये सीख लेना, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का 10 का 10 मार्क्स मिल जाएगा आपको। कस्टमर को देगा, रजिस्टर तो दोनों को मिलेगा, ठीक है, रेसिपिएंट को भी मिलेगा। यहाँ पे कस्टमर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जो गुड सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? सप्लायर। और कस्टमर को क्या बोलते हैं? रेसिपिएंट, राइट। वो अगर आगे सप्लाई कर देगा तो फिर से वो क्या बन जाएगा? सप्लायर। जिसको सप्लाई किया वो क्या बन जाएगा? रेसिपिएंट। तो यहाँ पे ऐसे चलता है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा कौन लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना? यही सवाल है ना अपना? तो सर किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो बेटा सेक्शन 22 में लिखा है हु इज लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो बेटा जिसका भी टर्नओवर, तो बेटा रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपका क्या बेटा, बात होगी एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है बेटा टोटल सेल। क्या होता है? टोटल सेल। इसमें सब आ जाता है आपका, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम सप्लाई, तो कुछ भी आ जाएगा अपन, राइट। तो टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, राइट, एग्जेम सप्लाई, सब कुछ आ जाएगा इसमें। तो जो जो आपने सप्लाई किया है वो सब क्या कर दो? ऐड कर दो। और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख का लिमिट क्रॉस करता है, कितना लिमिट? तो बेटा कौन से, चाहे आप गुड सप्लाई करो चाहे सर्विसेज, चाहे आप गुड सप्लाई करो चाहे सर्विसेज, या बोथ, ठीक है। तो बेटा इन स्टेट में अगर 10 लाख का लिमिट क्रॉस कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। चाहे आप क्या सप्लाई करो? गुड्स, या तो क्या सप्लाई करो? सर्विसेज, ठीक है। अगर 10 लाख का लिमिट के ऊपर चला गया, 10 लाख तक छूट है, 10 लाख तक मजे करो, ठीक है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 9 लाख है, 8 लाख है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं। बट जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख का लिमिट क्रॉस कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो बेटा ये कौन से स्टेट है? 4 स्टेट है, है ना? टोटल 10 स्पेशल स्टेट अपने को याद रखने हैं। 4 इधर 6 इधर 4 इधर 6 इधर, इधर 4 है ना, और इधर कितना है? 6। तो बेटा 4 कौन से स्टेट हैं? तो बोलो मेरे साथ, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, राइट, त्रिपुरा, नागालैंड, याद हो गया? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, इज इट क्लियर? अगर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख का लिमिट क्रॉस किया, बेटा 10 का डबल कितना होता है? 20। तो अगर 20 लाख का लिमिट क्रॉस किया, चाहे आप क्या सप्लाई करो? गुड्स या तो सर्विसेज। कौन से स्टेट में बेटा? ये 6 स्टेट में। पहला कौन सा स्टेट है? मेघालय। दूसरा कौन सा है? उत्तराखंड। एस का मतलब क्या है? सिक्किम। ए का मतलब क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और टी का मतलब, पी का मतलब क्या है? पुडुचेरी। और टी का मतलब क्या है? तेलंगाना। ये आपको याद करने पड़ेंगे स्टेट, ठीक है। राइट, 4 इधर है 6 इधर है, ठीक है। फिर से दोहराओ, कौन कौन सा है? मेघालय, मेघालय, हाँ, तो उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी एंड लास्ट में क्या बेटा? तेलंगाना। तेलंगाना, अगर ये स्टेट में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख का लिमिट क्रॉस करता है, कितना लिमिट? 20 लाख का लिमिट क्रॉस करता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ठीक है। विद इन 30 डेज। हाउ मेनी डेज? विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर भीतर आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं, राइट, ये 4 और ये 6 को छोड़ के अगर रेस्ट ऑफ इंडिया, जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र इसमें आता है क्या? तो बेटा ये कौन सा कैटेगरी में जाएगा? रेस्ट ऑफ इंडिया में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? और रेस्ट ऑफ इंडिया में बेटा गुड सप्लाई करेगा तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए? सिर्फ गुड्स का तो बेटा 40 लाख। और अगर आप सिर्फ सप्लाई सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो बेटा कितना? 20 लाख। और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो 20 लाख। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे तो कितना बेटा? 20 लाख। बात समझ में आ रही है? सिर्फ गुड्स सप्लाई करेगा तो 40 लाख है। जैसे अपन महाराष्ट्र में, तो
तो महाराष्ट्र में बेटा सिप और सिप अगर आप गुड्स में डील करता है, किस में डील करता है, गुड्स में, तो कितना है 40, और सिर्फ सर्विस में डील करता है बेटा कितना है 20, और गुड्स ऑन सर्विसेज दोनों दे रहा है तो जैसे होटल गुड्स भी देता है और सर्विसेज भी देता है, उनके लिए कितना हो जाएगा बेटा 20 लाख का लिमिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर गाइस। अच्छा गुड्स के केस में राइट ओनली गुड्स एक्सेप्शन दिया हुआ है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई करेगा बेटा किसका, पान मसाला आइसक्रीम टोबैको, ठीक है पान मसाला है ना, जुबा केसरी सुना होगा ना आप लोग ने, तो पान मसाला आइसक्रीम टबाको राइट, एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर का मतलब कहता है जो आप लोग पीते ना राइट, कोको कोला पेप्सी कार्बोनेट रहता है ना उसमें है ना, पीते तो डकार आती है मतलब बुलबुले निकलते हैं, ठीक है तो बेटा दैट इज कॉल्ड, अगर ये सप्लाई कर रहा है तो बेटा आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना माना जाएगा, 40 लाख नहीं माना जाएगा 20 लाख माना जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है बस, इज इट क्लियर, बहुत डिफिकल्ट है ना याद करने का, ठीक है तो बेटा याद रखने का पहला वाला, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू, पहला वाला 10 लाख है ना, 10 लाख वाले को कैसे याद करेंगे राइट, मेक माई ट्रिप टू, मेक माई ट्रिप टू, मेक माई ट्रिप टू, मेक माई ट्रिप टू राइट, मेक माई ट्रिप टू किधर बेटा, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, समझ गया ना नागालैंड, हाँ मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, तो पब्लिक पूछेगी भाई नागालैंड क्यों जा रहे हो, ऐसा नो पब्लिक पूछेगी ना कि भाई नागालैंड क्यों जा रहे हो राइट, नागालैंड क्यों जा रहे हो, ऐसा क्या भाई नागालैंड में जो तुम चिल्ला रहे, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, तो बोलने का भाई मैं नागालैंड जा रहा हूँ किससे मिलने के लिए, मूसा भाई से, किससे मिलने जा रहा हूँ मूसा भाई, किससे मिलने जा रहा हूँ मूसा भाई, बराबर, इतना बड़ा हस्ती है भाई तुम जो उसको मिलने के लिए उधर जा रहा है, तुम किससे मिलने जा रहा है मूसा भाई, किससे मिलने जा रहा है मूसा भाई, तो अगला क्वेश्चन पूछेगा भाई मूसा भाई कौन है, कौन है ऐसा मूसा भाई कौन है, तो आप बोलने का भाई मूसा भाई पीटी के टीचर है, मूसा भाई कौन है पीटी के टीचर है, इज इट क्लियर, तो मूसा भाई कौन है, पब्लिक पूछेगी ना सवाल, ठीक है तो पहले तुम नाचते नाचते जाएगा मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू, तो पब्लिक पूछेगी भाई किससे मिलने जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, तो आप किससे मिलने जा रहे हो मूसा भाई, किसे मिलने जा रहे मूसा भाई, तो पब्लिक पूछेगी ना भाई मूसा भाई कौन है, तो कौन है भाई मूसा भाई पीटी के टीचर है, इज इट क्लियर, जिसमें यम का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है मणिपुर, दूसरा मेक माई ट्रिप, यम का मतलब क्या है मिजोरम, देखिए ट्रिप का मतलब क्या बेटा त्रिपुरा, ट्रिप का मतलब क्या है ट्रिप ना, तो बेटा क्या आ गया त्रिपुरा, और नागालैंड का मतलब क्या बेटा नागालैंड राइट, एम का मतलब क्या है यहाँ पे मेघालय, यू का मतलब क्या है राइट, एस का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, और टी का मतलब क्या है, याद हो गया मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, किससे मिलने जा रहे हो मूसा भाई से, कौन है मूसा भाई पीटी के टीचर है, इज इट क्लियर, ठीक है तो बेटा मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में अगर कोई आएगा तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए 10 लाख, 10 लाख 20 लाख और तीसरा क्या बेटा 40 लाख, डबल डबल होते जा रहा है ना 10 लाख 20 लाख 40 लाख, ठीक है अच्छा यहाँ पे चाहे आप गुड्स सप्लाई करो चाहे सर्विसेज, तो बेटा मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में क्या 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 आएगा बोलो बोलो रिपीट करो, मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा नागालैंड, ठीक है मूसा भाई पीटी के टीचर हैं, क्या आएगा बेटा उसमें राइट मेघालय, मेघालय कंफ्यूज मत होना इधर भी एम एम ए है, तो इधर एम बोलेगा तो क्या होता है मेघालय, मेघा रे मेघा, ठीक है उत्तराखंड जाएगा तो मेघा मेघा रहता ना उधर बादल बादल, ठीक है तो मेघालय उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश पुडुचेरी एंड तेलंगाना,
और यही सब को छोड़ के बाकी से वो भी आया, पंजाब आया, दिल्ली आया, हरियाणा आया, कोलकाता आया, ठीक है, ये सब में आते क्या बेटा? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मूसा भाई पीटी के टीचर है, इसमें आता है क्या? ये किधर आएगा? जैसे आपका महाराष्ट्र किधर आता है बेटा? इसमें आता है क्या? मूसा भाई में आता है क्या? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में आएगा क्या? नहीं। तो बेटा इसको कॉपी करो, चलो फटाफट अभी अपने बुक में जैसा लिखा है ना वैसा लिखो, लिखो लिखो, याद लिखने से याद होगा। तो सेक्शन 22 छाप डालो। व्हाट डू मीन बाय सेक्शन 22? राइट, पर्सन हु इज लायबल। मोबाइल में दिया है तेरे को, इसके लिए मोबाइल पे भेज दिया है। तो इसको लिखना पड़ेगा आपको, लिखेंगे तभी याद होगा। एक बार लिख लेंगे तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में छप जाएगा, क्योंकि ये मेरे को 10 मार्क्स दिलाने वाला है। कितना मार्क्स? 10। तो लिमिट याद होना चाहिए, कौन सा स्टेट के लिए कितना लिमिट है। अब बेटा तुम अगर पेप्सी पी रहा है, कोको कोला पी रहा है, तो पब्लिक पूछेगी भाई क्या पी रहा है, क्या पीता है, क्या पीता है, तो क्या पीता है, क्या पीता है, तो बेटा पीता, क्या पीता है, क्या पीता है, तो अपन बोलेगा ना भाई राइट, कोल्ड ड्रिंक पीता है ना, पीता पीता पीता, तो पीता का मतलब क्या बेटा यहाँ पे? पान मसाला, आइसक्रीम। तो पी का मतलब क्या है? शॉर्टकट लिख के रख लो, पी आई टी ए, क्या पीता है ये, तुम क्या पीता है, तो बोलने का मैं ये पीता है, वो पीता है, पानी पीता है। हाँ तो वो लिख लो, वाटर लिखा हुआ है। पिता, पिता का मतलब समझा आप लोगों को? पान मसाला, आइसक्रीम, टोबैको, एरेटेड वाटर। तो बेटा ये लोग पर्यावरण को, तो बेटा आइसक्रीम के लिए बेटा अपन बड़ा बड़ा मशीन लगाते हैं कि नहीं, फ्रीजर, ठीक है? और फ्रीजर लगाने से क्या होता है, अपना एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है। यस, तो बेटा राइट, कभी फ्रिज राइट, कभी एसी देखा है? एसी घर के अंदर ठंडी हवा देगा, बाहर क्या देता है? तो उससे क्या होता है, उसे राइट ग्लोबल वार्मिंग होता है ना। और ग्लोबल वार्मिंग, जैसे गर्मी बढ़ेगा राइट, धरती का तापमान बढ़ेगा, वैसे क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी, ऐसा नो, बर्फ़ पिघलेगी तो बेटा बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, इसी की वजह से आती है ना। बाढ़ सुनामी क्यों आती है इतनी? तो इसी की वजह से आती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने उन लोगों को देखो लिमिट कम कर दिया है, तो तुमको 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, कितने का लिमिट मिलेगा है ना, 20 लाख का।
है, करो जुबा केसरी, तो तुम तम्बाकू बेच रहे, पान मसाला बेच रहे, है ना, जुबा केसरी करवा रहे सब लोग की, बराबर। कोई तकलीफ किसी को 10 स्टेट पे याद करने में? किसी को तकलीफ 10 स्टेट, स्पेशल कैटेगरी स्टेट याद हो गया? राइट, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, किससे मिलने जा रहा है? कौन है भूजा भाई? हाँ, पीटी का टीचर है, पीटी का टीचर है। तो यहाँ पे चाहे आप गुड्स सप्लाई करो चाहे सर्विसेज, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बेटा, चाहे गुड्स सप्लाई करो चाहे सर्विसेज, दोनों के लिए एक ही लिमिट है। और यहाँ पे गुड्स सप्लाई करेगा तो अलग, रेस्ट ऑफ इंडिया में सर्विसेज सप्लाई करेगा तो अलग, और गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा तो बेटा कितना है? 20 लाख। तो बेटा महाराष्ट्र में अगर आपको कोई गुड सप्लाई कर रहा है बेटा, 40 लाख का लिमिट है, मजे करो। 40 लाख का टर्नओवर जब तक नहीं होएगा जब तक आपको रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत नहीं है। तो बेटा जिस दिन तुम्हारा ये लिमिट क्रॉस कर दिया उसके 30 दिन के भीतर भीतर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के भीतर भीतर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। सर नहीं कराया तो? नहीं कराया तो, ये पूछ रहा है नहीं कराया तो बेटा तुमको फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा, तुम्हारे ऊपर लीगल केस भी हो सकता है। आप बोल, यस मैम, हाँ ये एक्सेप्शन है। कौन सा बेटा ये कौन सा? पूछो पूछो पूछ पूछना। अरे पूछ तो सही। हाँ चाहे आप गुड सप्लाई करो चाहे सर्विस है, दोनों के लिए एक ही लिमिट है। यहाँ पे भी चाहे गुड सप्लाई करो चाहे सर्विसेज, एक ही लिमिट है, बट यहाँ पे अलग अलग है। गुड सप्लाई करेगा तो 40 लाख, सर्विस सप्लाई करेगा तो 20 लाख। सर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई किया तो 20 लाख। इज इट क्लियर? सिर्फ गुड्स के लिए 40 लाख है, बाकी सब के लिए क्या है? 20 लाख। ऐसे याद करने का। चलो करें, हो गया सब लोग लिख के? डन एवरीवन। डन हो गया आपका? चलो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा बेटा? तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है बेटा टोटल सेल। क्या होता है? टोटल सेल। अगर जनरल नॉलेज में बोला जाए तो बेटा टोटल सेल, क्या आपने कितना सेल किया, मार्केट में कितना माल बेचा या कितना सर्विसेज दिया, तो सबका टोटल कर लो। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या बेटा? टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट, या आप कुछ इंटर स्टेट सप्लाई करेगा बेटा वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये तो चार चीज़ें आती है। कौन कौन सी? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम सप्लाई, एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट सप्लाई, सब कुछ ऐड कर देने का, ठीक है। और एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑन इंडिया बेसिस फॉर दिस सेम पेन। तो बेटा आपके पेन नंबर से, आपके GST नंबर से कितना आपने सप्लाई किया, सब कुछ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे पूरे इंडिया का, ठीक है। इज इट क्लियर? और बेटा क्या क्या इंक्लूड नहीं होता बेटा? ये पांच चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, याद रखना। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो बेटा अगर मैं RCM, तो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय पर्सन ऑन विच बेसिस, तो RCM बेसिस बेटा तो उल्टी गंगा है। मैंने आपको पहले बताया कि बेटा यहाँ पे टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। कौन पे करेगा?
तो नॉर्मली टैक्स कौन पे करता है बेटा? गवर्नमेंट को, सप्लायर। बट आरसीएम के केस में कौन पे करता है? रेसिपिएंट। इज इट क्लियर? तो बेटा वर्ड याद रखना यहाँ पे क्या बेटा, इनवर्ड सप्लाई, उसके ऊपर टैक्स कौन पे कर रहा है? आरसीएम। तो बेटा वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, किसी भी प्रकार का टैक्स, किसी भी प्रकार का टैक्स अपन इंक्लूड नहीं करने का, ठीक है? भले वो सेंट्रल टैक्स हो, भले वो स्टेट टैक्स हो, भले वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, भले वो सेस हो, तो बेटा ये कुछ भी इंक्लूड, सेस भी मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। जैसे किसान, जैसे अभी आया था ना राइट, किसान विकास सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, तो सेस का मतलब भी क्या होता है? टैक्स होता है। क्या होता है? टैक्स। इज इट क्लियर? सेस का मतलब भी क्या होता है? टैक्स। बट इतना एग्जाम में नहीं आएगा आपको डिटेल में, सेस का भी मतलब क्या होता है? टैक्स। तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। इज इट क्लियर? सिंपल मीनिंग रखो, सेस का भी मतलब क्या होता है? टैक्स, टैक्स होता है, ठीक है? जैसे स्वच्छ भारत सेस है, ठीक है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है, एजुकेशन सेस करके है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 4% लगता है इनकम टैक्स में, ठीक है? वैसे किसान विकास सेस है राइट, स्वच्छ भारत सेस है, तो अलग अलग नाम पे अलग अलग सेस लेती है गवर्नमेंट, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आरसीएम। क्या इम्पोर्टेंट है? आरसीएम। तो कोई भी इनवर्ड सप्लाई अगर आपने किया, अगर उसके ऊपर टैक्स कौन पे कर रहा है? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो बेटा वो इंक्लूड नहीं होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये लिख लो, चलो फटाफट। हाँ लिखो, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? एटीओ, अट्टो। अट्टो का मतलब क्या है? ऑल सप्लाइज। बट उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? आरसीएम और एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। सिंपल, ऐसे याद रखो, आरसीएम इंक्लूड नहीं होगा, और क्या इंक्लूड नहीं होगा बेटा? एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, बस बात खत्म। दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी। एटीओ का फॉर्मूला, जो भी आप उन सप्लाई करेंगे सब कुछ ऐड कर देंगे, जो भी आप सेल करोगे सब कुछ ऐड हो जाएगा, भले वो टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो। एग्जेम का मतलब होता है नॉन टैक्सेबल ना, टैक्स फ्री। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का भी मतलब क्या होता है? सेल। और इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे उसका भी मतलब क्या है? सेल। तो जितना भी सेल करोगे सब क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो अपने को क्या मिलेगा? एग्रीगेट टर्नओवर। इंक्लूड नहीं करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आरसीएम जिधर देखेगा ना बेटा, कांटा मार देने का। क्या मार देने का? कांटा। मतलब ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा, और कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं ऐड होगा। सिंपल है?
आरसीएम और कोई भी प्रकार का टैक्स, अलग अलग टैक्स का नाम हो सकता है, राइट, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, आईजीएसटी, एसजीएसटी, हाँ रुको पहले समझाने दो, तो ये क्लियर है बेटा सब लोगों, तो पहला हम लोगों ने देखा हुई इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, हुई इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख का लिमिट क्रॉस करेगा या तो 20 लाख का या तो कितना बेटा 40, तो 10 लाख वाले लोगों ने मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, कौन सा स्टेप आता है, तो कौन कौन आता है इसमें, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, किससे मिलने जा रहे हो, मूसा भाई, कौन है मूसा भाई, पीटी के टीचर है, तो एम का मतलब क्या है मेघालय, यू का मतलब क्या है उत्तराखंड, राइट, एस का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है और टी का मतलब क्या है तेलंगाना, तो याद हो गया ना रट्टा मारा क्या, चलो तो सेक्शन क्या किया अभी 22 किया, यस और नो, अभी हम लोग करेंगे सेक्शन 24, तो बेटा किन किन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, तो बेटा यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट नहीं देखा जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट नहीं देखा जाएगा, इज इट क्लियर, तो किस किस को रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तो इधर एग्रीगेट टर्नओवर नहीं देखने का, तो बेटा पहला क्या लिखा है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो किसका, गुड्स का, अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो किसका, गुड्स का, तो बेटा आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही है, अगर महाराष्ट्र के महाराष्ट्र गुड्स बेच रहे हो तो चलेगा, 40 लाख का लिमिट है, बट महाराष्ट्र से अगर आपने गुड्स बेच दिया बेटा दिल्ली, राइट, आपने गुड्स बेच दिया बेटा राजस्थान, आपने गुड्स बेचा सप्लाई किया पंजाब, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया ना, और इंटर स्टेट सप्लाई हो गया तो बेटा आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, बात समझ में आ गई, तो वहाँ पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट नहीं देखा जाएगा, इज इट क्लियर, ठीक है, दूसरा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेगा तो बेटा वहाँ पे लिमिट है, कितना लिमिट है 20 लाख का, 20 लाख के नीचे रहेगा तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का, बट सर्विसेज अगर आप सप्लाई करोगे इंटर स्टेट सप्लाई तो बेटा 20 लाख तक आप कर सकते हो, और जिस दिन 20 लाख का लिमिट क्रॉस कर देगा उसका आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, राइट, तीसरा क्या बेटा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पूरे मतलब साल का नहीं है इधर, जिस दिन आपका लिमिट 20 लाख का क्रॉस कर सकते वो हो सकता है कि एक महीने में हो जाए, एक दिन में हो जाए, दो दिन में हो जाए, ठीक है, छः महीने में हो जाए, आठ महीने में हो जाए, ग्यारह महीने में हो जाए, या बारह महीने में हो जाए, या हो ही नहीं, बात समझ में आ रही, यहाँ पे लिमिट देखी जाती है, क्या देखी जाती है, लिमिट, ऐसा साल बिल का नहीं देखा जाता है, समझ में आ रहा है, अच्छा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो बेटा ये इसको अपन बोलते हैं बेटा बरसाती मेंढक, क्या बोलते हैं, बरसाती मेंढक, ठीक है, तो इन लोग क्या हो, जैसे राइट आप कहाँ रहते हो, महाराष्ट्र, ठीक है, बट कोई एग्जीबिशन है, बिजनेस एग्जीबिशन है कहाँ पे, दिल्ली में, कहाँ पे है, दिल्ली में, तो बेटा अगर आप बिजनेस एग्जीबिशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा टेम्प्ररी, ठीक है, जिसको बोला जाता है बेटा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्या बोला जाता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो बेटा आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, क्योंकि आप राइट बिजनेस एग्जीबिशन के लिए कहाँ जा रहे हो, दिल्ली में अपना गुड्स बेचने के लिए जा रहे हो, तो बेटा आपको उस समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है, उसको क्या बोला जाएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इज इट क्लियर, और चौथा क्या है बेटा, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, NRTP, सिंपल लैंग्वेज में बोलेगा तो बेटा ये फिरंगी लोग हैं, कौन है ये लोग, फिरंगी लोग है, ठीक है, फिरंगी का मतलब कौन है, ये लोग फॉरेनर लोग है, कौन है, जैसे IPL होता है ना क्रिकेट मैच, तो आते हैं ना विदेशी लोग अपने इंडिया में खेलने के लिए, तो उनको क्या बोला जाएगा, NRP, क्या बोला जाएगा,
एनआरटीपी, एनआरटीपी का मतलब क्या है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो बेटा उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने का है, और वो लोग को बेटा एडवांस जीएसटी पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? एडवांस, क्योंकि लोग आईपीएल आएगा तो क्या फोकट में खेलने के लिए आएगा क्या? लेके जाता है ना 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 50 लाख, 60 लाख। तो बेटा 50 लाख, 60 लाख जितना भी उन लोग को पैसा आने वाला है ना, उसके ऊपर उन लोग को एडवांस जीएसटी पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है? एडवांस जीएसटी। यस और नो? ठीक है, तो बेटा चार पड़े अभी। पहला, इंटर स्टेट सप्लाई करेगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस किया तो अपने को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या पड़ा बोलने, सीटीपी। क्या पड़ा? सीटीपी का मतलब क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो इनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, राइट। चौथा क्या पड़ा हम लोगों ने, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो बेटा फिरंगी लोग है। कौन है ये लोग? जो इंडिया में रेसिडेंट है क्या नॉन रेसिडेंट है? नॉन रेसिडेंट है ना। 2-3 महीना आएगा क्रिकेट खेल के, पैसा कमा के लेके जाएगा। तो बेटा जो भी ये लोग लेके आएंगे, एडवांस जीएसटी पे करके जाते हैं गवर्नमेंट को। तीसरा, अगर आपका कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है तो बेटा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था बेटा, ये याद है, ये ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और ट्रैवल सर्विसेस। तो बेटा गूगल क्या है? गूगल। तो बेटा गूगल क्या है? ये गूगल पे कुछ भी डालेंगे तो अपने को सर्च इंजन है ना, कुछ भी डालेंगे तो अपने को सर्विस मिल जाती है। बट ये डेटा कोई ना कोई तो मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, तो उसको क्या बोला जाता है जो ये सर्विस देते हैं? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, जो ये सर्विस मुझे दे रहा है उसको क्या बोला जाता है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रायवल सर्विसेस। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रायवल सर्विसेस। ठीक है, आप सिंपल याद रखो, जो लोग ऑनलाइन सर्विसेज मेरे को देंगे तो बेटा उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यस और नो? तो कई लोग दे रहे हैं ना अमेजन का बेनिफिट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, तो ऑनलाइन गुड्स आप मंगा सकते हो ना, खरीद सकते हो। तो बेटा ये लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, पढ़ा भी हमने, मैंने आपको इसमें भी पढ़ाया था, अ पर्सन रजिस्टर्ड ऑन ई कॉमर्स, अ पर्सन रजिस्टर्ड ऑन ई कॉमर्स है ना, जो डिजिटल गुड्स बेच सकते हैं हम लोग है ना। दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन दुकान खोल लो, वहाँ से पब्लिक आके खरीदेगी। तो बेटा अमेजन, फ्लिपकार्ट ये क्या है बेटा? ई कॉमर्स ऑपरेटर है। कौन है ये लोग? है ना, डेफिनेशन में पढ़ाया था मैंने ई कॉमर्स ऑपरेटर, और तभी भी बताया था मैंने कि इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, और कौन सा बेटा? 6, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो बेटा एक ब्रांच अगर दूसरे ब्रांच को सर्विस देगी तो बेटा वो भी किसमें माना जाएगा? तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं? जैसे मेरा हेड ऑफिस किधर है? चलो मुंबई में। कहाँ पे बेटा? मुंबई में। तो बेटा मेरा हेड ऑफिस किधर है? मुंबई में। और मैं अपने पुणे ब्रांच में, पुणे ब्रांच में क्या कर रहा हूँ बेटा? राइट, सप्लाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सप्लाई। तो बेटा इसको क्या बोला जाता है? अगर मैं ये पुणे ब्रांच को सप्लाई कर रहा हूँ, मुंबई से पुणे ब्रांच में सप्लाई कर रहा हूँ, हेड ऑफिस से पुणे ब्रांच में जा रहा है, तो बेटा इसको क्या बोला जाता है? ISD। क्या बोला जाता है? तो ISD का मतलब क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होता है? तो एग्जाम में इतना नहीं आता है ये, राइट, मैंने बहुत राइट पूरा लिस्ट दे दिया इसमें। ठीक है, अच्छा, जो पर्सन TDS डिडक्ट करेगा बेटा उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो पर्सन TCS कलेक्ट करेगा उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और एनी पर्सन हु पे GST अंडर RCM, तो बेटा उसको भी क्या करना पड़ेगा? RCM में कौन टैक्स पे करता है? रेसिपिएंट ना। तो बेटा रेसिपिएंट कब टैक्स पे करेगा? जब उसको रजिस्ट्रेशन करेगा तभी ना। जैसे एज ए कस्टमर अगर आपको अगर GST पे करना है तो बेटा आपको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? GST पे कर सकते हो आप। इज इट क्लियर? अगर आप कोई एजेंट की सर्विस दे रहे हो तो बेटा तभी आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, प्रिंसिपल बोलेगा तो मैं ओनर हूँ, आप मेरा गुड्स बेच रहे हो, मेरा लैपटॉप बेच रहे हो एज ए एजेंट है ना,
तो मैंने एज ए एजेंट आपको अपॉइंट किया है, और एजेंट लोग को हम लोग क्या पे करते हैं बेटा, कमीशन। क्या पे करते हैं? कमीशन। तो उन लोगों को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इज इट क्लियर? या कोई पर्सन क्या सप्लाई कर रहा है बेटा? सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? हट वाली। चल हट, तो बेटा हट वाली सर्विस, हट बोलेगा तो कौन सी सर्विसेज है? हाउस कीपिंग, एकोमोडेशन एंड टूरिज्म, है ना? एकोमोडेशन का राइट सर्विसेज कौन देता है बेटा? होटल वगैरह। और टूरिज्म बोलेगा तो बेटा मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप टू, राइट वो वाला नहीं, मेक माई ट्रिप। तो बेटा मेक माई ट्रिप, राइट, उबेर, ओला, ये अपने को क्या देता है? टूरिज्म का फैसिलिटी देता है कि नहीं? तो अगर ये आप ये सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पहला कौन सा? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस देखा तो बेटा एक्सेप्शन है कि कितना टर्नओवर होना चाहिए? 20 लाख। फिर बेटा ये याद रखना जो मैंने स्टार मार्किंग किया है, कौन कौन सा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। चौथा कौन है बेटा? फिरंगी लोग, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। पांचवा कौन है बेटा? जो लोग ऑनलाइन सर्विस देते हैं, राइट, द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और ट्रैवल सर्विसेज, राइट। छठा कौन सा है? ISD। सेवन क्या है? पर्सन डिडक्टिंग TDS, राइट। आठवा क्या है? पर्सन कलेक्टिंग TCS, राइट। और कौन है बेटा जो RCM में है? तो बेटा उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और दसवा क्या है बेटा? एजेंट, राइट। और ग्यारहवा क्या है बेटा? रजिस्टर्ड ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे Amazon, Flipkart, इनको भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर कल जाके अगर आप कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस चालू कर रहे हो तो बेटा आपको पहले दिन से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। क्या बेटा? कंपलसरी। और बारवा क्या है? पर्सन सप्लाइंग विद सर्विसेज हट वाली। तो हट में क्या आता है बेटा? हाउस कीपिंग, एकोमोडेशन एंड टूरिज्म, और बाकी गवर्नमेंट नोटिफाइड करते रहेगा। तो एग्ज़ाम में अगर ये पूरा लिख दोगे ना, यू विल गेट फुल मार्क्स, 10 में से 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर 10 मार्क्स के लिए पूछ दिया। इज इट क्लियर? अच्छा, कौन कौन किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेटा क्या लिखा है? किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है? तो बेटा हु इज़ नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, हु इज़ नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पहला बोला बेटा जो लोग फार्मर्स लोग हैं और क्या प्रोड्यूस करता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, तो बेटा उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। तो बेटा जो लोग किसान लोग हैं, कौन है बेटा? किसान। और किसान क्या करता है? खेती बाड़ी करता है। क्या करता है? अपनी ज़मीन के ऊपर क्या करता है? खेती बाड़ी करेगा। तो खेती बाड़ी करेगा तो बेटा उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, इज इट क्लियर? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आया तो समझ जाने के बेटा, राइट, एग्रीकल्चर के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, भले तुम कितना भी, तुम्हारा टर्नओवर कितना भी हो, कितना भी सेल करो, ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कितना भी, इज इट क्लियर? उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, ठीक है। तो जितने भी पैसे वाले लोग रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं, और एग्रीकल्चर लैंड खरीदेंगे उसके ऊपर खेती बाड़ी करेंगे, बेचेंगे, जितना बेचेंगे बेटा पूरा का पूरा वाइट मनी है वो, पूरा का पूरा क्या हो? वाइट मनी। 1 रुपया भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, डायरेक्ट टैक्स भी नहीं देना है, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं देना है, इज इट क्लियर? दूसरा, जो लोग क्या सप्लाई कर रहा है बेटा? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट सप्लाई का एग्जेम्प्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट का क्या मतलब होता है? टैक्स फ्री। उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या? नहीं। और एग्जेम्प्ट सप्लाई बेटा 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नील रेटेड। दूसरा क्या होता है बेटा? होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11। ये पूरा सीखने वाले हम लोग, होली एग्जेम्प्ट पूरा 80 लिस्ट है, कितना है? 80 एंट्री है, ठीक है, एंड नॉन टैक्सेबल है ना। इधर 12-13 आइटम याद नहीं हो रहा है, वहाँ पे कितना है? 80 आइटम है। इसके लिए बोला ना 20 मार्क्स के लिए इतना बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, इज इट क्लियर? बात आ रही समझ में? अच्छा, और किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है? अ पर्सन ओनली मेकिंग, कौन सी सप्लाई कर रहा है बेटा? वो चार्जेबल अंडर RCM। जैसे इसका एक RCM अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो RCM का मतलब क्या होता है बेटा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहाँ पे कौन पे करता है टैक्स? रेसिपिएंट। कौन पे करता है? तो बेटा एडवोकेट। अगर एडवोकेट कंपनी को सर्विस देगा तो बेटा एडवोकेट नहीं करेगा, राइट, गवर्नमेंट को GST पे, और उसको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है।
तो उसके बिहाफ पे कौन पे करेगा? कंपनी। कौन पे करेगा? कंपनी। अच्छा सीटीपी, सीटीपी अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, बट उसमें एक्सेप्शन है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पढ़ा ना अभी हम लोगों ने, बट वो कौन से गुड्स सप्लाई कर रहा है बेटा? हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो बेटा अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो बेटा उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। बट वो कौन से गुड्स होने चाहिए? हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जो हाथ से बने हुए गुड्स होते हैं ना, उनको कौन से गुड्स बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट। अच्छा ये तो मैंने अभी अभी आपको कराया कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा रहेगा तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करना, अगर 20 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने का, ठीक है। और अगर कोई जॉब वर्कर है इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो बेटा उसमें एग्रीगेट टर्नओवर देखने का 20 लाख, तो इतना हार्ड आपको एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ चुने उन्हें आइटम्स आपको एग्जाम में आते हैं। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 22, 23, 24 क्लियर है? 22, 23, 24 इज इट क्लियर? तो बेटा जो आरसीएम में होगा उसको रजिस्ट्रेशन कराने, जो आरसीएम वाली सर्विस देता है उसको टैक्स उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको जो कराने की ज़रूरत नहीं है। कौन फिर कराएगा? तो जो सामने वाला पर्सन है वो जो कस्टमर है जिसको आपने राइट सर्विस सप्लाई की है, ठीक है, वो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन कराएगा, ठीक है, ओके। तो आरसीएम का चलो एक केस मैं बता देता हूँ। आरसीएम तो बेटा अगर एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब समझते हो ना, तो बेटा एडवोकेट ने सब राइट सर्विसेज दी, किसको सर्विसेज दी, किसको सर्विसेज दी, किसको सर्विस दी, तो बेटा उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? एक्चुअली जनरल केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हु इज लायबल टू पे जीएसटी? सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी ना, बट इस केस में बेटा सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? ये है ना, कौन है? एडवोकेट है। और रेसिपिएंट कौन है? कौन है? कंपनी है। तो बेटा राइट, अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म रहेगा नॉर्मल केस रहेगा तो बेटा हु इज लायबल टू पे जीएसटी? एडवोकेट ना, सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। बट इस केस में कौन पे करेगा बेटा? रेसिपिएंट। सपोज इसने 1 लाख की सर्विस दी, कितने की सर्विस? सपोज 50,000 की, कितने की सर्विस दी? तो 50,000 कंपनी इसको पे कर देगी, बाकी जीएसटी का पैसा कौन पे करेगा बेटा? जीएसटी तो बेटा कंपनी पे करेगी। बात समझ में आ रही है? तो चलो मान के चलते हैं राइट 12% है, कितना परसेंट है? चलो 18% है, तो निकालो ज़रा 15,000 का 18%, 50,000 का 18%, सॉरी कितना आ रहा है? तो 9,000 टैक्स कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को। तो बेटा यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है ना, तो इससे को क्या बोला जाता है बेटा? आरसीएम। क्या करना पड़ेगा? आरसीएम। तो रजिस्ट्रेशन भी किसको कराना है? कंपनी को। एडवोकेट कराएगा क्या? तो वही तो यहाँ पे लिखा है, तो वो तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो बेटा रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट किसकी जेब से निकालेगा? रजिस्टर्ड पर्सन। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? कंपनी। तो हु इज लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट? कंपनी है ना। रेसिपिएंट इज लायबल टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? आरसीएम क्या होता है समझ में आया कि ऊपर से गया? तो बेटा आरसीएम में कौन पे करता है? कस्टमर। कौन पे करता है? कस्टमर, ठीक है। तो बेटा जो सप्लायर होता है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अगर वो कौन सी सर्विस दे रहा है? आरसीएम वाली सर्विस दे रहा है। कौन सी सर्विस? तो इसमें से एक केस मैंने आपको बताया, ठीक है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेटा ये याद हो गया। स्टेट वाला याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा 10 लाख का लिमिट किसके लिए है? मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। तो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ज़रा फटाफट बोलो, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड, तेलंगाना। अच्छा चलिए, किससे मिलने जा रहे हो? कौन है भाई?
टीचर है। तो बेटा एम का मतलब क्या है? मेघालय। यू का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? पी का मतलब क्या है? और टी का मतलब क्या है? तेलंगाना। ये सबको छोड़ के, ये चार इधर छः इधर को छोड़ के बेटा बाकी सब रहेगा तो क्या होता है? रेस्ट ऑफ इंडिया। तो बेटा सिर्फ गुड सप्लाई करेगा तो कितना? जैसे पंजाब, पंजाब आ गया बेटा, पंजाब इसमें आ रहा है क्या? तो बेटा रेस्ट ऑफ इंडिया पंजाब, महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान, कोलकाता, भोपाल, मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार, ठीक है, झारखंड। तो बेटा ये सब आ रहा है क्या? नहीं ना। तो बेटा ऐसे स्टेट में सप्लाई, गुड सप्लाई करेगा तो कितना लिमिट है? 40। और अगर सर्विस सप्लाई करेगा तो बेटा, और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई करेगा तो हो गया यार। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो लाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लायो? हाँ पेपर लायो। हाँ पेपर लेके आने का। चलो रजिस्ट्रेशन वाले पे आओ, चलो फटाफट देखते कितना समझा तुम लोगों को। देखते कितना समझा आपको। क्वेश्चन नंबर टू पे आओ, चलो क्वेश्चन नंबर टू, पेज नंबर 267। चलो मिला बेटा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू आपको 6 दिया रहेगा, आपको 6 ट्रांजिशन आएगा और बोलेगा कोई भी 5 करो, कोई भी। तो बेटा लाइफ में आंसर या तो हाँ होगा या तो क्या होगा? ना। कि इसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इज इट क्लियर? चलो तो पहला क्या बेटा, स्टेट विद द रीजन। क्वेश्चन नंबर टू मिला ना सब लोगों कि वेदर द डीलर इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST और नॉट। तो बेटा यहाँ पे तो NE4 लिखा है, बट अपने को एग्जाम में क्या रखा है? NE5, ठीक है। 1 मार्क्स मिलेगा हाँ या ना बोलने का, और 1 मार्क्स मिलेगा बेटा रीजन लिखने का। तो जरा पहला पढ़ो 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 पढ़ो। अब ट्रेडर इन द हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड मेक द टैक्सेबल सप्लाई। तो बेटा अंडरलाइन करो, उत्तराखंड 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 में चाहे आप गुड सप्लाई करो चाहे सर्विसेज, लिमिट फिक्स है बेटा। कितना होना चाहिए? 20 लाख। क्या इसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर गया है क्या? अगर ऊपर गया रहेगा तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, राइट? और अगर 20 लाख के नीचे तो बेटा इसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। पढ़ो 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 आगे। अ ट्रेडर इन द हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड मेक द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स टू ट्रेडर इन उत्तराखंड फॉर द वैल्यू। कितना बेटा? 19 लाख 90। तो क्या इसका टर्नओवर का लिमिट 10 लाख के ऊपर गया क्या? सॉरी 20 लाख के ऊपर गया क्या? तो बेटा इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या? तो आंसर क्या लिखेगा? या तो हाँ या तो क्या आएगा? ना। तो इधर आंसर क्या आने वाला है? ना। तो चलो क्या कैसे लिखेंगे? तो बेटा इधर लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? तो 1 मार्क्स तो उसका मिल जाएगा मेरे को। क्वेश्चन नंबर टू है ना, तो आंसर क्या आएगा बेटा? नो। फिर इधर क्या लिखेंगे? रीजन। ठीक है, तो रीजन क्या लिखेंगे? कि उसका एग्रीगेट टर्नओवर, राइट, हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन, है ना? एग्रीगेट टर्नओवर क्या बेटा? कम है ना पहले वाले केस में। तो लिखेंगे ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज, ज्यादा लिखने का नहीं, बिकॉज ही इज एग्रीगेट टर्नओवर, बिकॉज ही इज
एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन कितने से बेटा? रुपीस 20 लाख इन द स्टेट ऑफ, कौन सा बेटा स्टेट है? इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये ज़्यादा है तो बेटा एक मार्क्स इसके लिए मिल जाएगा और एक मार्क्स रीज़न लिखने के लिए आपको मिल जाएगा। हाँ तो एक मार्क्स कट जाएगा तेरा, इसमें भी तो छोड़ के आएगा। इतना लिखोगे 2 मार्क्स मिल गया, ऐसा 5 लिखो तो कितना मिल जाएगा बेटा? 10 फोकट में, बस इतना ही करना है। क्या है, क्या बोली मैम? हो गया ओके। अच्छा 2 पढ़ो जरा, 2 2 2 2। मेजर सिद्धि इंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग इन मेरठ, तो बेटा मेरठ इधर आता है कह रहे राइट, अदर रेस्ट ऑफ इंडिया में आएगा ना, और क्या सप्लाई कर रहा है बेटा? सर्विसेज ना, तो बेटा गुड्स के लिए 40 लाख है, सर्विसेज के लिए कितना है? उत्तर प्रदेश में आता है ना मेरठ, तो उत्तर प्रदेश के लिए कितना लिमिट होगा बेटा? गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विसेज के लिए कितना है? 20 लाख। क्या 20 लाख का लिमिट क्रॉस किया गया? ये किया गया, तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या आएगा बेटा? ना। रीजन क्या लिखेंगे? ठीक है, तो लिखने का इट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज बिकॉज इट्स ATO इज लेस देन कितना बेटा? रुपीज 20 लाख इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बस खत्म। या मेरठ लिखना है तो मेरठ लिख लो इधर ब्रैकेट में, मेरठ है ना वहाँ पे। चलो थर्ड पढ़िए क्या लिखा है बेटा। ए फिरंगी लग रहे हैं ना नाम से ये, और फिरंगी लोग के लिए क्या है बेटा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ना, पढ़ा ना अभी। एक CTP के लिए कंपलसरी है और दूसरा किसके लिए? फिरंगी लोग, तो नाम से फिरंगी दिख रहा है ना। मिस्टर रॉजर बॉन्ड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन सप्लाई टैक्सेबल गुड्स वर्थ रुपीज 5 लाख इन पुणे, तो बेटा अमाउंट देखने का जरूरत नहीं है, कंपलसरी भले वो 1 रुपये का क्यों ना सप्लाई करे। ठीक है, क्या लिखेंगे? यस। रीजन क्या लिखेंगे? तो बेटा राइट, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, इट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर किसके लिए? इट इज कंपलसरी, बस एक लाइन लिखने का, इट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन राइट किसके लिए बेटा? अभी अभी देखा ना अपने, सीखा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में था ना ये राइट। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर किसके लिए? फॉर एनआरटीपी। आप एग्जाम में पूरा लिखने का नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बस इतना लिख देने का, खत्म। इज इट क्लियर? समझा? चलो 4 पढ़ो, 4 4 4 4। रविंदर
क्या लिखा है रविंदर, अ फार्मर है, किसान है बेटा, पढ़ने का क्या जरूरत है कह रहे, ये पढ़ने का जरूरत है कह रहे, किसान है, किसान को तकलीफ देगा क्या, मतलब किसान को तकलीफ देगा क्या, रजिस्ट्रेशन करवाएगा क्या उसका, नहीं। तो आंसर क्या है क्या बेटा, तो जीवन में आंसर या तो हाँ होता है या तो क्या होता है ना। तो क्या लिखने का, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन टाइप, क्या करते हैं क्या इधर टाइप होता है, किसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, फॉर फार्मर्स, आप सिंपल लिखो, इतना बड़ा इंग्लिश मत लिखो, फार्मर्स हु प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करता है, हु प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग व्हाट, एग्रीकल्चरल गुड्स। चलो ठीक है, इज इट क्लियर, देखो इतना सिंपल है, ठीक है ओके। अच्छा फिफ्थ भी है ना, ये पढ़ मिस भाव्य किधर रहती है रे, भविष्य ओके, मिस भविष्य सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, तो बेटा ये मूसाभाई में आती है ना, मूसाभाई में आती है ना सिक्किम, तो उसका एग्रीगेट टर्न ओवर चाहे वो गुड्स सप्लाई करे चाहे सर्विसेज कितना होना चाहिए, क्या है क्या देख, तो बोल आंसर हाँ या ना, तो क्या है क्या बेटा, नो, लिख सकते हैं रीजन, क्या है रीजन, कि शी इज लायबल for registration because her turnover, aggregate turnover na, is less than kitna beta 20 lakhs in the state of kaun sa state hai beta, in the state of Sikkim, खत्म, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर ओके। क्वेश्चन नंबर 3 करो जरा खुद से, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है बेटा, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, आपको एग्जाम में कंपलसरी वाला ही आएगा, चलो पहला पढ़ो क्या लिखा है, तो श्याम इज अ
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बात यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा, राइट। किस किस के लिए कंपलसरी है? सीटीपी और एनआरटीपी के लिए कंपलसरी है ना, तो बेटा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इसको। और इसने हैंडीकैप गुड्स भी नहीं सप्लाई किया है, यस और नो? तो बेटा हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हैंडीक्राफ्ट गुड्स हाथ से बना हुआ, तो वो तो एग्जाम में आएगा नहीं तुमको, तो सिंपल बोलेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, सीधा चुपका देने का। यस, क्या लिख देने का? यस, इट इज़ अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर हुम, किसके लिए? सीडीपी। सीडीपी का मतलब क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो रीज़न लिख पाएगा? रीज़न क्या लिखेगा? इट इज़ अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर सीडीपी। अच्छा, अजीता कहाँ रहती है रे? ये कहाँ रहती है रे अजीता? इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड में बेटा चाहे गुड्स सप्लाई करो चाहे सर्विसेज, कितना लिमिट है? 10 लाख। क्या लिमिट क्रॉस किया क्या? तो बोलो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? अरे कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? यस, तो शी इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, शी इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ना अजीता, शी इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज हर एग्रीगेट टर्न ओवर कितना क्रॉस किया बेटा? हर एग्रीगेट टर्न ओवर इज़ मोर देन 10 लाख, इज़ मोर देन 10 लाख इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। कर पाएगा, लिख पाएगा इतना इंग्लिश? अच्छा, थर्ड वाला जगह संभाल के पढ़ना और दिमाग लगा के पढ़ना। बोलो क्या आएगा, बोलो। तो बेटा अंडरलाइन करो एग्जाम गुड्स क्या सप्लाई कर रहा है, और जो लोग एग्जाम गुड्स सप्लाई करता है उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है क्या? अब ये भी सीखा ना, तो आंसर इज नो। क्यों नो? इट इज नॉट कंपलसरी, ही इज नॉट रिक्वायर्ड, ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ऐसे लिखो, ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इज सप्लाइंग विच गुड्स, ही सप्लाइंग एग्जाम गुड्स। वेरी गुड, ये लिखा है ना रे नाले को, अभी सीखा है ना, जिसके ऊपर टैक्स फ्री, जिसके ऊपर राइट जीएसटी नहीं लगेगा। ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इज सप्लाइंग विच गुड्स, ही सप्लाइंग विच गुड्स एग्जाम गुड्स। ये चौथा पढ़ो, चौथा चौथा पढ़ो, चौथा चौथा चौथा। कौन है रही है? फार्मर है ना बेटा, फार्मर लोग को तकलीफ देगी क्या? क्या आएगा तो आंसर क्या आने वाला है? बात आ रही समझ में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो बेटा रीजन लिख पाएगा वही कॉपी पेस्ट, इट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज राइट बिकॉज ही सप्लाइंग विच गुड्स एग्रीकल्चर गुड्स। ऐसा भी लिख दोगे तो भी चलेगा। सिंपल लिखना है ही इज लायबल, नहीं लायबल रहेगा तो लिख देने का नॉट लायबल। सिंपल एक लाइन पकड़ो इंग्लिश। चलिए, ये ब्लैकमेल कर रहा है कि मिस्टर चेतन कौन है बेटा, हैंडीकैप पर्सन। ये हैंडीकैप पर्सन लोग के लिए कुछ ऐसा कुछ अलग लिमिट है कह रहे। तो बेटा 45 लाख का लिमिट क्रॉस कर दिया इसने, 20 लाख का लिमिट क्रॉस किया कि नहीं? सर्विस के केस में कितना है? 20 लाख है ना, तो बोलो ही इज लायबल। तो सिंपल लिखने का ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इज टर्न ओवर एग्रीगेट टर्न ओवर इज मोर देन 20 लाख।
बात खत्म, ज्यादा लिखने का नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इज एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 20 लैक्स। 20 लैक्स क्योंकि स्टेट नहीं दिया तो बेटा क्या देगा? 20 लाख ही देगा। यहाँ के ना, यहाँ के ना, तो जीवन में आंसर या तो हाँ होता है या तो क्या होता है, ना होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कम है तो चलो मैंने और क्वेश्चन दिया आप लोगों को। आपका मोबाइल चालू करो, इसमें दो ही क्वेश्चन है ना, तो चलिए अभी मैंने भर भर के क्वेश्चन दिए, चलो आ जाओ। तो ये हो गया, दो क्वेश्चन अपने हो गए ना, स्टार्टिंग के दो हो गए ना, अभी भी किए ना ये शाम वाला है ना, ये भी हो गया, दो भी हो गया, तीन भी हो गया ना, ये तो जो गया उसको टिक मार दो, दो हो गए ना अपने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, चलो मिस्टर नीलेश। रीजन पता ना क्या है? अगर लायबल होगा तो बेटा क्या लिखने का? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नहीं है तो क्या लिखने का? ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। नीलेश वाला मिला? नीलेश डीलर है, कहाँ का डीलर है भाई? मणिपुर, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ये शायद वहीं पे आता है, ऐसा नो? हाँ तो बेटा वहां पे गुड सप्लाई करो चाहे सर्विसेज, कितना है बोलो? हाँ या ना लिखो, बस रीजन घर पे जाके लिख लेना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, चलो ए बी सी डी ई, फटाफट लिखो। तो बेटा तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, तो पहला टाइप ये है जो आप सीख रहे हो और दोनों आते हैं एग्जाम में। मिस्टर नीलेश, बस हाँ या ना लिखो, घर पे जाकर रीजन लिख लेना। रीजन आएगा ना लिखने को सब लोगों? चलो पहला बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, ए वाले का बताओ हाँ या ना। तो बेटा मणिपुर में है ना, और मणिपुर वाले को लेकर एग्रीगेट टर्न ओवर 10 लाख, तो 10 लाख का लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? हाँ। रीजन लिख पाएगा? ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इज एग्रीगेट टर्न ओवर इज मोर देन 10 लाख इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। खत्म, मिल गया 2 मार्क्स, 2 लाइन लिखने का। बी बताओ जरा, बी 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 बी। तो बेटा मिस संचिता ऑपरेटिंग इन मुंबई सप्लाई टैक्सेबल सर्विसेज, तो बेटा ये रेस्ट ऑफ इंडिया में आता ना, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में नहीं आता है। मूसा भाई पीटी के टीचर है, उसमें भी नहीं आएगा, तो बेटा कहाँ आएगा? महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में आता है ना, और बेटा महाराष्ट्र में सर्विसेज सप्लाई करेगा तो कितना बेटा? 20 लाख है, लिमिट क्रॉस किया, तो आंसर क्या आएगा? हाँ या ना, तो ना। रीजन लिख पाएगा? क्या लिख पाएगा? कि शी इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज हिज एग्रीगेट टर्न ओवर इज लेस देन 20 लाख, राइट, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इज इट क्लियर? फोन नहीं उठाने का, नहीं सीधा, राइट, एक भी लेक्चर नहीं बैठने देगा फिर मैं। सीखा क्या है मतलब, मेरा पढ़ो,
2 घंटा इधर आते हो, 2 घंटा पूरा ध्यान देना चाहिए, 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। तो बेटा हाँ आएगा या ना आएगा, फार्मर लोग, फार्मर पढ़ेगा तो आँख बंद करके क्या करने का, नो क्या करेंगे, ही इज़ नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही सप्लाइंग वी कौन सा गुड्स, राइट, बिकॉज ही सप्लाइंग एग्रीकल्चर गुड्स, ऐसा भी लिखोगे तो भी लिख चलेगा। चलो आगे बढ़ोगे, फिरंगी है ना रे, नाम से ही फिरंगी लग रहा है, और कौन है देखो तो लिख के भी दिए, वो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो लिमिट देखने का कह रहे हैं। तो बेटा डायरेक्टली क्या है, ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट, ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, राइट, इन केस ऑफ व्हाट, एनआरटीपी, या जो पहला रीजन लिखा है वो भी लिख सकते हो, इट्स अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, है ना, इट्स अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर हुम, फॉर एनआरटीपी, ए आसाम है, आसाम, अ ट्रेडर इन द आसाम क्या सप्लाई कर रहा है बेटा, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, तो बेटा ये रेस्ट ऑफ इंडिया में आएगा ना, और क्या सप्लाई कर रहा है, गुड्स ना, तो बेटा गुड्स के लिए कितना लिमिट है, 40 लाख है, कितना है, क्या 40 लाख का लिमिट क्रॉस किया गया, तो क्या आएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, तो आंसर क्या आएगा बेटा, ना, इज इट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, लिख लिया सब लोगों ने, तो ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज हिज एग्रीगेट टर्न ओवर इज लेस देन 40 लाख इन द स्टेट ऑफ आसाम। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करो, हाँ या ना लिखो फटाफट, रीजन तो लिख पाओगे ना आप लोग, देख सामने है, तो पढ़ते ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पढ़ते ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो पहला बोलो, अभय डीलर ऑफ द आसाम सप्लाई टैक्सेबल गुड्स टू रुपीज 11 लाख, बोलो, तो बेटा टैक्सेबल गुड्स है ना, और टैक्सेबल गुड्स के बेटा रेस्ट ऑफ इंडिया में आएगा, मेक माय मूसा भाई में नहीं आएगा, मेक माय ट्रिप टू नागालैंड आता है क्या, मेक माय आसाम मूसा भाई पीटी के टीचर उसमें आता है क्या, तो किस में आएगा, रेस्ट ऑफ इंडिया, और रेस्ट ऑफ इंडिया बेटा गुड्स के लिए कितना लिमिट है, 40 लाख है, कितना है, 40 लाख है, 40 लाख का लिमिट क्रॉस किया गया, तो आंसर क्या आएगा, रीजन लिख पाओगे कि ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज हिज एग्रीगेट टर्न ओवर इज लेस देन 40 लाख इन द स्टेट ऑफ आसाम, इज इट क्लियर, ओके बी पढ़ो जरा, आई एम मिस संजय, अच्छा लड़की लोग का भी नाम होता है क्या संजय, तो मेजर संजय ऑपरेटिंग इन नासिक, क्या सप्लाई कर रहा है बेटा, टैक्सेबल सर्विसेज ना, और नासिक किधर आता है बेटा, रेस्ट ऑफ इंडिया में आता है, किस में आता है, महाराष्ट्र में आता है ना, और महाराष्ट्र के लिए बेटा सर्विस सप्लाई करेगा तो कितना है, भी कितना है, 20 लाख, क्या 20 लाख का लिमिट क्रॉस किया, तो बेटा रजिस्ट्रेशन कराएगा ही है,
क्या लगता है आपको कराएगा क्या ये? तो आंसर इज नो, ही इज़ नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इज एग्रीगेट टर्न ओवर इज लेस देन 20 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। चलिए किसान का तो बेटा नाम पढ़ के उधर ही उसको नमस्ते कर लेने का, ठीक है, आगे बढ़ने का जरूरत है क्या? नहीं। तो ही इज़ नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज ही इज सप्लाइंग वॉट, क्या सप्लाई कर रहा है? एग्रीकल्चर गुड्स। ये नाम से फिरंगी लग रहा है ना, नाम फिरंगी बंदा है ना ये, और फिरंगी बंदे को क्या बोलते हैं? अरे बोलो, फिरंगी बंदे को जीएसटी में क्या बोलते हैं? अरे बोलो क्या बोलते हैं? फिरंगी लोग को क्या बोलते हैं? नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट एनआरटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एनआरटी में लिमिट दिखेगा, तो बेटा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। इट इज़ अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर, इट इज़ अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर किसके लिए? एनआरटीपी, एनआरटीपी सीटीपी दोनों याद रखने का कंपल्सरी है। चलो लास्ट वाला पढ़ो, ई। ई क्या लिखा है? हाँ, त्रिपुरा, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। चाहे गुड्स सप्लाई करो चाहे सर्विसेज या बोथ, कितना लिमिट है बेटा? कितना लिमिट है? किया है तो क्या करना पड़ेगा इसको? क्या आएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, ठीक है, तो हाँ कितना? तो लिख पाओगे रीजन? हाँ, क्या आएगा? वेरी गुड, बराबर इंग्लिश लिखी इसने। इज इट क्लियर? बस किधर, बस चुप रहे। हाँ, दो तीन इधर, बच्चे किधर है? बच्चे ने तो कहाँ से देखो होमवर्क तुम्हें, किधर गया? हाँ, क्या लिया ने? अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू आ जाओ, 267 पे क्वेश्चन नंबर टू। ये दूसरा टाइप है, ये पहला टाइप है, अभी ये दूसरा टाइप कर रहे हैं जहाँ पे अपने को टोटल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टोटल। अभी अपने को सब दिया था ना, अभी अपने को मेहनत कराएगा एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर टू मिला रोहित वाला आपका, ये वही टू, क्या है रे, 2867, तो अभी भी वही है। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला है? नाम चेंज है वाला क्वेश्चन। चलो मिला ये क्वेश्चन नंबर टू मिस्टर रोहित, और मिस्टर रोहित क्या सप्लाई कर रहा है बेटा? अंडरलाइन करो क्या सप्लाई कर रहा है, और बेटा कहाँ पे? कोल्हापुर। और कोल्हापुर कहाँ आता है बेटा? कोल्हापुर किधर आता है? अरे कहाँ आता है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र मेक माई ट्रिप टू नागालैंड में आता है क्या? मूसा भाई पीडी के टीचर है उसमें आता है क्या? तो बेटा रेस्ट ऑफ इंडिया। और बेटा ये दोनों चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, तो उस केस में बेटा लिमिट कितना होगा जरा बताइए? एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए? वेरी गुड, कितना बेटा? 20 लाख है ना, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं ना रे, तो उस केस में कितना? 20 लाख। 20 लाख का लिमिट जिस दिन क्रॉस कर देगा उस दिन इसको 30 दिन के भीतर भीतर क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये केस आ गया अभी जहाँ पे अपने को एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो, He provide the following details related to the business for the month of January 2023 and determining his eligibility for registration under the relevant goods and service tax law. तो सबसे पहले तो बेटा राइट कंडीशन लिख देने का, कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो बेटा कितना लिमिट होना चाहिए तो इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? बोलो, 20 लाख। तो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर टू। तो ऐसा रहेगा तो बेटा तीन स्टेप में आंसर लिखने का, कितने स्टेप में? तीन। तो पहला स्टेप वन लिखेंगे, स्टेप वन क्या लिखने का? तो बेटा लिखने का कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एक एक लाइन लिखने का बस।
अगर सेक्शन याद होगा तो लिख देने का सेक्शन 22, नहीं याद होगा तो छोड़ देने का। क्या कंडीशन है इसके लिए? तो लिखो बेटा मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित है ना ये, इसको अंडरलाइन करो। तो रीज़न लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, कब लायबल होगा, व्हेन इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो लिखो बेटा मिस्टर रोहित, ऐसे ही मार्क्स नहीं मिल जाएगा एग्जाम में। तो मिस्टर रोहित इज राइट, विल बी लायबल लिखो, विल बी लायबल, प्रॉपर इंग्लिश लिखने का, विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ हीज एग्रीगेट टर्नओवर राइट इज मोर देन 20 लाख, 20 लाख है ना, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वॉट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन द स्टेट ऑफ वॉट बेटा, इन द स्टेट ऑफ ए, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ही आता है ना, महाराष्ट्र स्टेट का नाम ले लेंगे ना। तो बेटा राइट महाराष्ट्र में नहीं लिखेंगे चलेगा, अगर डाउट है तो बेटा मत लिखो, ठीक है, डाउट है तो मत लिखो, इज इट क्लियर। अब स्टेप टू में क्या करेंगे बेटा, अपन कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे स्टेप टू में, क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, एग्रीगेट टर्नओवर, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, एग्रीगेट टर्नओवर। तो दो कॉलम बना लेंगे, पर्टिकुलर्स और दूसरा बेटा एग्रीगेट टर्नओवर है ना, रुपीस, दो कॉलम बनेंगे, एक आपका पर्टिकुलर्स का और एक किसका बेटा, रुपीस का, रुपीस। चलो पहला क्या जरा देखो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट या रुपीस, तो जैसा उधर दिया वैसा अपन लिख रहे हैं। चलो पहला क्या बेटा, पहला पढ़ो, तो जो जो आएगा बेटा ऐड करते जाने का, ठीक है इसमें। तो पहले पढ़ लेते हैं, सर्विसेज चार्जेस विद इन द स्टेट, तो बेटा ये एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या नहीं आता बेटा, आरसीएम और कोई भी प्रकार का टैक्सेस वो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो सर्विस चार्जेस विद इन द स्टेट आएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई आएगा, एक्सपोर्ट मेड टू द सिंगापुर ये भी आ जाएगा, इंट्रा स्टेट गुड्स ये भी आ जाएगा, इंट्रा स्टेट सर्विसेज ये भी आ जाएगा, इंट्रा स्टेट होली एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी बेटा ये भी आ जाएगा। तो बेटा जरा कैलकुलेटर लो, ये सबका टोटल करो जरा, देखो 20 लाख का लिमिट क्रॉस हो रहा है क्या, बोलो बोलो 20 लाख का लिमिट क्रॉस हो रहा है क्या, फटाफट ऐड करो सब, 3 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, तो 23 लाख हो रहा है ना, 23 लाख हो रहा है कि नहीं, तो बोलो रजिस्ट्रेशन कराएगा कि नहीं कराएगा, इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो एक एक करके सब लिख देने का जो जो एग्रीगेट डन ओवर में आने वाला है, लिख पाएंगे ना। तो चलो पूरा छापो, वैसे कॉपी पेस्ट करो, कॉपी करने में तो नंबर वन है ना अपन। तो सर्विसेज चार्जेस विद इन द स्टेट और अमाउंट लिखो, ये पहला है ना, कितना ही है, कितना ही है जरा देखो, 3 लाख, कितना लिखेंगे, 3 लाख। चलो जैसा है वैसा छाप डालो पूरा, इंट्रा स्टेट गुड्स टैक्सेबल 18% के हिसाब से, और बेटा ये सब एक्सक्लूसिव टैक्स होना चाहिए, कौन सा टैक्स होना चाहिए, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव रहेगा तो बेटा टैक्स अलग करना पड़ेगा, और सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग करना पड़ेगा, वैल्यू को अलग करना पड़ेगा, अमाउंट अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कितना है, 3 लाख है ना, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंक्लूसिव लिखा है कि एक्सक्लूसिव लिखा है,
एक्सक्लूसिव लिखा है ना, एक्सक्लूसिव का मतलब इसमें जीएसटी ही इंक्लूड नहीं है, तो अपने को वही चाहिए, एक्सक्लूसिव ही चाहिए। तो कितना बेटा, ये भी 3 लाख है। चलो थर्ड करो, थर्ड थर्ड क्या, एक्सपोर्ट मेड टू, एक्सपोर्ट मेड टू किसको किया भाई, सिंगापुर, जैसा दिखा वैसा कॉपी पेस्ट कर देने का। तो कितने का किया बेटा, 5 लाख, तो लिख दो बेटा 5 लाख। चलो चौथा 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 क्या है, इंट्रा स्टेट गुड्स, इंट्रा स्टेट गुड्स टैक्सेबल, बट यहाँ पे टैक्स रेट अलग है। कितना बेटा, कितना है, कितना है, 5%, तो 5%। बोलो कितना, कितना बेटा ये, 6 लाख है, 6 लाख। चलिए फिफ्थ, इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल, बट यहाँ पे टैक्स रेट कितना बेटा, कितना है, 12% है ना, और सब एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव है ना। चलिए कितना बेटा इसका अमाउंट, 4 लाख। और पांचवे का कितना बेटा, पांचवे का और छठे का, तो बेटा 6 मार्क्स तो इधर ही मिल जाएगा आपको, एक एक मार्क्स मिलेगा आपको सबको ऐड करने का आपको। तो इंट्रा स्टेट गुड्स होली एग्जेम्प्ट, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए बताइए, बताइए 20 लाख के ऊपर ना। तो बेटा जरा टोटल मारिए इसका टोटल, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना आ जाएगा, एटीओ कितना आ जाएगा, एटीओ टोटल टोटल कितना आ जाएगा, 23 लाख, 23 लाख हो रहा है ना टोटल, करके देखो। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करेगा ना लिमिट, 20 लाख चाहिए ना, और एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो रहा है बेटा, तो बोलिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। तो स्टेप 3 कंक्लूजन लिख सकते हैं ना, अभी जो आपने लिखा था कंक्लूजन, कि मिस्टर रोहित कंक्लूजन लिखना पड़ेगा बेटा, कंक्लूजन ऐसा करके हेडिंग डालो, और कंक्लूजन में लिख सकते हो मिस्टर रोहित इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, है ना मिस्टर रोहित, इज्जत देने का थोड़ा उसको, मिस्टर रोहित इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज, क्यों रे, बिकॉज ही इज एग्रीगेट टर्न ओवर इज मोर देन 23 लैक्स, इज मोर देन 20 लैक्स, ओके सॉरी भावना में बह गया था, 20 लाख इन द स्टेट ऑफ, बेटा इन द स्टेट ऑफ व्हाट, महाराष्ट्र, इन द स्टेट ऑफ, इन द स्टेट ऑफ कौन सा स्टेट है भाई इसका, महाराष्ट्र, राइट। आप चाहते हो और भी आगे लिख सकते हो, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इज इट क्लियर, आ गया समझ में ये। इतना करोगे तो एग्जाम में कितना मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा, तो यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। इसका जरा टोटल करो, कहाँ रहता है बेटा ये प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही ओरली कर लो, घर पे जाके होमवर्क कर लेना इसको। अरे ये उसमें नहीं है, पीडीएफ में देखो, उसमें क्वेश्चन कम है ना, इसके लिए आपको पीडीएफ दिया है। किसमें, उसमें ये मिस्टर प्रकाश वाला है,
प्रकाश वाला भी है आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा पेज नंबर 268 पे आ जाओ, देखो मिलेगा आपको। तो बेटा प्रकाश किधर रहता है, प्रकाश किधर रहता है, एक कहाँ रहता है, हरियाणा। हरियाणा किधर आता है, पंजाब। और बेटा पंजाब के लिए कितना है बेटा, गुड्स के लिए कितना है 40 लाख, सर्विस के लिए कितना है 20, और गुड्स एंड सर्विस दोनों सप्लाई करेगा तो कितना है। तो बेटा ये दोनों सप्लाई कर रहा है ना, पहले लाइन में लिखा है ना, तो बेटा इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए बोलो, 20 लाख। तो जरा टोटल करके देखो सबका, सब कुछ ऐड होगा। देखो कुछ इन्वर्ट चार्ज तो नहीं है ना, मतलब आरसीएम तो नहीं है ना इधर आरसीएम। तो बेटा इंट्रा स्टेट भी आ जाएगा, इंट्रा स्टेट भी आ जाएगा, एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, इंट्रा स्टेट गुड्स भी आ जाएगा। ये तुम लोग किधर जा रहे हो, क्लास छोड़ा नहीं है, चुप। सर्विसेज विद इन द स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई, जरा टोटल मारी जरा सबका कितना हो रहा है, कितना हो रहा है ये। हाँ सब लोग का फ्यूज उड़ गया लगता है, 15 लाख को लोग 15,000 पढ़ रहे हैं। तो पहला 3,25,000 ही ना रे, 5,75,000, फिर 1 लाख है, 1,75,000 प्लस 85 प्लस 3 लाख, तो कितना हो रहा है 15,60,000। इज इट क्लियर। तो रजिस्ट्रेशन कराएगा क्या ये, तो रीज़न लिखेगा, क्या रीज़न आएगा, क्या रीज़न आएगा, इज एग्रीगेट डन ओवर इज लेस देन राइट 20 लाख, 20 लाख ना। तो क्या नाम है भाई इसका, मिस्टर प्रकाश इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज इज एग्रीगेट डन ओवर इज लेस देन 20 लाख, विच अमाउंटेड टू रुपीज, ये अमाउंट भी लिखना चाहिए आपको, विच अमाउंटेड टू रुपीज, ऐसे यहाँ पे अमाउंट लिखने का, विच अमाउंटेड टू रुपीज। तो पहले वाले क्वेश्चन में लिखना चाहिए था विच अमाउंटेड टू रुपीज 23 लाख। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, 3 पढ़ो। से 5 मिनट लगेगा, क्वेश्चन नंबर राइट क्या 3 पवन वाला। ये पवन किधर रहता है, पवन आसाम। और बेटा ये राइट गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और सर्विसेज भी दोनों सप्लाई कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 प्रकाश वाला, पवन वाला, पवन मिला, पवन ऊपर ही है 268 पेज पे आपके। ये मिला क्या, मिला मैम, ओके। तो बेटा पवन रेसिडेंट ऑफ आसाम मिला, अरे पीडीएफ मत देखो, ये देखो आपका ये इसमें है। अच्छा मिला आसाम वाला, हाँ उसमें भी रहेगा कहीं ना कहीं। तो राइट पवन, पवन रेसिडेंट ऑफ आसाम, यू राइट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सप्लाई मेड बाय हिम। तो बेटा यहाँ पे बोला नहीं कि इसने क्या सप्लाई कर रहा है राइट, तो यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा, और लिखा भी है रजिस्ट्रेशन अंडर रेलिवेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, तो वो तो जीएसटी लॉ बोल रहा है। तो बेटा नीचे देखो क्या इसने गुड्स और सर्विसेज दोनों दे रहा है क्या, ये दोनों दे रहा है ना, गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और लास्ट में जाके देखो सर्विसेज भी दे रहा है, यस और नो। तो सबका टोटल मारो जरा, सब सब आ जाएगा इसमें, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सब आ जाएगा।
एग्रीकल्चर आता है, मैंने बोला ना एग्जाम सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है लोगों को, बट एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लेगा ना तो बेटा सब कैलकुलेट होगा। तुमको लिखाया है, इसके लिए तुम लोग इंग्लिश पढ़ते नहीं हो ठीक से। ये एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लिखा है, इधर टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई एक्सपोर्ट इंटर स्टेट सप्लाई सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ दो चीज़ को छोड़ गया, क्या क्या? आरसीएम एंड टैक्सेस। आरसीएम और टैक्सेस है क्या इसमें? कुछ नहीं है। चलो ऐड करो कितना, 15 लाख 30, लेस देन 20 लाख है ना। तो बताओ ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क सुमित, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको खुद करना है। अरुणाचल प्रदेश वाला क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए बेटा अरुणाचल प्रदेश में चाहे गुड्स सप्लाई करो चाहे सर्विसेज या कुछ भी, तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, राइट? 20 लाख होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क मणिपुर, और मणिपुर के लिए भी मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क, तो बेटा मणिपुर के लिए कितना है, मणिपुर के लिए चाहे गुड्स सप्लाई करो चाहे सर्विसेज 10 लाख है। कितनी है? 10 लाख। कर पाएंगे आप लोग? एट वाला क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ आप खुद करो, क्या था मुझे नहीं पता, ले लिख ले जाइए।